नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुपर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को बड़ा झटका, सीबीआई हिरासत के खिलाफ याचिका की सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को एक के बाद एक झटका लग रहा है। ईडी के हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से फरियाद की थी, लेकिन कोर्ट ने कह दिया है कि अब गिरफ्तारी हो गई तो सुनवाई का मतलब नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद चिदंबरम के वकील सिब्बल और अभिषेक मनु सिंधिया ने मौलिक अधिकारों की दुहाई दी है। कोर्ट ने कहा है कि पी चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ याचिका दायर पर अब सुनवाई नहीं होगी क्योंकि यह मामला अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वह उचित कोर्ट में बेल के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, सीबीआईसी के 22 अफसरों को जबरन किया रिटायर। सरकार ने भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में कर विभाग के और 22 अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया है। भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा और कसते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने भ्रष्टाचार पर मुख्य निगम 56J के तहत निरीक्षक स्तर के 22 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। सीबीआईसी वैश्विक स्तर पर जीएसटी और आयात कर निरीक्षण की निगरानी करता है। इस साल जून में ही तीसरी बार भ्रष्ट पर अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इससे पहले भारतीय राजस्व सेवा के 27 उच्च स्तर के अधिकारियों को इसी नियम के तहत इस्तेमाल करते हुए अनिवार्य रूप से उनको सेवानिवृत्त किया गया था। समाजवादी पार्टी ने भंग की दिल्ली इकाई, अगले साल होने हैं विधानसभा चुनाव। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की दिल्ली इकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी इसकी घोषणा भी कर दी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य जिला युवा प्रकोष्ठ समेत अन्य कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया था। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य कार्यकारिणी भंग कर दी है। सभी जिला कार्यकारिणी, युवा इकाइयों और अन्य प्रकोष्ठानों को भी भंग कर दिया गया है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौहान ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार लोगों से मिलकर के उनकी प्रक्रिया हासिल कर रहे हैं। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर के संगठन को नए जोश के साथ पुनः खड़ा किया जाएगा। चंद्रयान 2 के बाद एक और मिशन में जुटा इसरो, दुश्मन के हाथ की घड़ी तक पर होगा नजर। चंद्रयान 2 की सफलता के बाद अब इसरो एक और बड़े मिशन में जुट गया है। भारत अब अक्टूबर के अंत में या फिर नवंबर की शुरुआत में अपने उच्चतम कार्टोग्राफी उपग्रह कार्टोसेट 3 का प्रक्षेपण करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के चेयरमैन के सिवा ने खुद इसका ऐलान किया है। सिवा ने कहा है कि अगला प्रक्षेपण कार्टोग्राफी उपग्रह कार्टोसेट 3 का लॉन्च होगा। यह प्रक्षेपण इस साल अक्टूबर के अंत या फिर नवंबर की शुरुआत में होगा। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट का मुख्य मकसद तो अंतरिक्ष से भारत की जमीन पर नजर रखना होगा, आपदाओं में और ढांचागत विकास के लिए मदद होगा, लेकिन इसका उपयोग देश की सीमाओं की निगरानी के लिए भी होगा। पाकिस्तान और उसके आतंकी कैंपों पर नजर रखने के लिए यह मिशन देश की सबसे बड़ी ताकतवर आंख होगी। दुश्मन या फिर आतंकियों ने हिम्मत की तो इस आंख की मदद से हमारी सेना उन्हें घर में घुस करके मार आएगी। ट्रंप के सामने भी मोदी ने कहा, भारत पाक के सभी मुद्दे द्विपक्षीय, किसी तीसरे देश को कष्ट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रविवार को फ्रांस पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को कश्मीर और अन्य मुद्दे पर बातचीत हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में ट्रंप ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर रविवार रात प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की, उन्होंने भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दे हैं। इमरान खान के जीत के बाद जब मैंने उन्हें फोन किया तो हम इस बात पर सहमत हुए थे कि हम गरीबी और अन्य समस्याओं के खिलाफ मिलकर के लड़ेंगे। हम दोनों ही देश इस मुद्दे पर मिलकर के लड़ने के लिए सहमत हुए थे और उम्मीद है कि यह जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के सभी मुद्दे द्विपक्षीय और आपसी हैं। हम इस मुद्दे पर किसी दूसरे देश को कष्ट नहीं देंगे। 1947 से पहले हम एक देश थे और उम्मीद है कि बातचीत से सभी मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। व्हाट्सएप से पहले गूगल में आई गई यह खास फीचर। गूगल पे जो भारत में पहले तेज के नाम से जाना जाता था, अब इसे पेमेंट ऐप में एक नया फीचर आने वाला है। व्हाट्सएप में डार्क मोड को लेकर के काफी समय से खबर है। यह संभवतः व्हाट्सएप का मच अवेक्टेड फीचर है, लेकिन व्हाट्सएप से पहले अब गूगल पे में डार्क मोड का सपोर्ट आ गया है। गूगल ने हाल ही में ऐलान किया है कि अगले एंड्रॉयड वर्जन को सिर्फ एंड्रॉयड 10 कहा जाएगा। इस वर्जन से पहले ही गूगल पे यूजर्स को डार्क मोड मिलना शुरू हो जाएगा। गूगल पे भारत में काफी पॉपुलर है और इसे आमतौर पर पैसे ट्रांजेक्शन करने के लिए किया जाता है। झारखंड में कांग्रेस ने रामेश्वर उनराव को दी प्रदेश अध्यक्ष की कमान। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को झारखंड संगठन के बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने रामेश्वर उनराव को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं कमलेश महतो इरफान अंसारी को बतौर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा में करारी शिकस्त के बाद झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आईपीएस अधिकारी रह चुके इस्तीफे के बाद प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।
बिना ट्रेन टिकट रेल में सफर करने वाले सावधान हो जाइए। जारी हुआ नया आदेश, ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि भारतीय रेलवे बिना टिकट यात्रा करने वालों की धरपकड़ तेज करने के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके लिए रेलवे स्पेशल ड्राइव शुरू करने जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने सभी GMS को निर्देश दिया है, टिकट चेकिंग के इस मुहिम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी मदद करेगा। आपको बता दें कि बिना टिकट यात्रा करने से रेलवे को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उत्तर रेलवे ने 5,000 यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा है। मेगा टिकट चेकिंग ड्राइव के लिए जोन भी तैयार कर लिए गए हैं। बिना टिकट यात्रा करने वालों की धरपकड़ तेज हो गई है। रेलवे बिना टिकट यात्रा पर सख्त कार्रवाई करेगी। अंबानी की रिलायंस ने तिरुमला मंदिर को दिए 1,10,00,000 रुपए का दान। भोजन योजना में पैसा होगा खर्च। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने तिरुमला के पास स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में रविवार को 1,10,00,000 रुपए का दान दिया है। कंपनी के एक प्रतिनिधि ने तिरुमला तिरुपति देव स्थानस्य के विशेष अधिकारी AV धर्मा रेड्डी को डिमांड ड्राफ्ट सौंप दिया है। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी है। कंपनी ने मंदिर प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस धन का इस्तेमाल मंदिर की ओर से श्रद्धालुओं के लिए चलाए जाने वाले निःशुल्क भोजन पर खर्च किया जाए। मंदिर के एक अधिकारी ने बताया है कि भोजन योजना में रोजाना करीबन 1,00,000 लोग लाभान्वित होते हैं। इस योजना को मंदिर के पास साल 1985 से अब तक जमा हुए 1,000 करोड़ रुपए पर मिले ब्याज से यह चलाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग, आज पुनर्गठन एक्ट को लागू करने पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर को लेकर के आज गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाले इस हाई लेवल मीटिंग में भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि बैठक में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी, जिसमें अतिरिक्त सचिव भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से सियासी बयान रस्साकसी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उन्हें कश्मीर दौरे को लेकर के करारा जवाब दिया है। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राहुल गांधी ने कश्मीर आने को लेकर के शर्तें रखी थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। बुमराह ने रचा इतिहास, यह खास कारनामा करने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बने। टेस्ट चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज पर 318 रन से जीत दर्ज की। भारत के इस तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बेहतरीन योगदान रहा है, वह 5 विकेट लेकर के मैच के हीरो बन गए। इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह इस मैच में वो कारनामा किया जो एशिया का कोई भी और गेंदबाज नहीं कर पाया था। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज में टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने इन 4 देशों की पहली बार दौरा किया जहां उन्होंने टेस्ट मैच में पहली 5 या फिर उससे ज्यादा विकेट लिए। कश्मीर में शांति की कोशिश पर केंद्र को मायावती का साथ, राहुल से कहा थोड़ा इंतजार कर लेते। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद शांति के लिए उठाए गए कदमों पर मायावती ने केंद्र का समर्थन किया है। वहीं मायावती ने कश्मीर का दौरा करने की जिद करने वाले विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें इलाके में शांति स्थापित होने तक इंतजार करना चाहिए। मायावती ने कहा है कि बिना अनुमति केंद्र और अन्य पार्टियों के नेताओं को कश्मीर जाने नहीं चाहिए था। मायावती ने कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर हमेशा ही देश की समता, एकता और अखंडता के पक्षधर रहे हैं, इसीलिए वे जम्मू कश्मीर राज्य से अलग से धारा 370 का प्रावधान करने में कतई पक्ष में नहीं थे। इसी वजह से BSP के सांसद ने इस धारा को हटाए जाने का समर्थन किया है। RBI सरकार को सरप्शन फंड से 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिविडेंड और सरप्शन कोष की मद से 1.76 लाख करोड़ रुपए सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। RBI के निर्देश मंडल ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। RBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जलाल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के बाद यह कदम उठाया गया है। इमरान खान ने दी गीदड़ भभकी, कहा दुनिया साथ आए न आए पाकिस्तान कश्मीर पर हर हद तक जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर पर मुस्लिम देश उसके साथ हैं और वो कश्मीर का मुद्दा बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। POK को लेकर भी इमरान खान ने बड़ी बात कही है कि भारत POK के ऑपरेशन कर सकता है। इतना ही नहीं, एक बार फिर परमाणु अस्त्रों की गीदड़ भभकी देते हुए इमरान खान ने कहा है कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है और पाकिस्तान कश्मीर पर किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर ये मुद्दा जंग की और जाता है तो याद रखिए दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार है और ये दुनिया साथ आए ना आए पाकिस्तान हर हद तक जाएगा। कर्नाटक में सरकार साधने की कवायद, येदियुरप्पा को बनाने पड़े 3 डिप्टी CM। कर्नाटक में नई सरकार के गठन के बाद भी सियासी संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। पहले मंत्रिमंडल में गठन में देरी, फिर मंत्रिमंडल के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के भीतर ही कलह की खबरें सामने आई थी। विधायकों के समर्थकों ने मंत्री न बनाए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की थी। येदियुरप्पा ने दावा किया था कि पार्टी में जारी विवाद को जल्द ही सुलझाया जाएगा। इसी बीच मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा ने सोमवार को अपने मंत्रियों की विभाग छांट दी।
है। कर्नाटक राज्य में 3 उप मुख्यमंत्रियों का ऐलान किया है, लक्ष्मण साध्वी, गोविंद एम करजोल और अश्विनी नारायण को ये जिम्मेदारी दी गई है। लक्ष्मण साध्वी फिलहाल न विधायक है और न ही वो विधान परिषद के सदस्य हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम येदियुरप्पा और पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य में डिप्टी सीएम बनाए जाने के खिलाफ थे। आज का माइंड किस क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका सही सही आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और यदि अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।